मेरा नाम राजन देव है, मैं ईवीएम आंध्र प्रदेश से हूँ। मुबीन भाई हमारे आई एन न्यूज के चीफ एडिटर है, जो काफी अरसे से बोलते थे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आज रात 12 बजे के टाइम पे कोर के ऑफिस के पास कुछ रिपोर्टर से मिलने के लिए गए थे। सडन को एक सोहेल नामी रोडी शटर आया, आके नाइफ लेके आके इनके ऊपर अटैक करा। अटैक करने के बाद हम कंसल्ट पुलिस स्टेशन को बार बार फोन करके इत्तला भी करे, लेकिन कंसल्ट पुलिस स्टेशन वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। यहाँ पे इस तरीके से अगर जो दूसरों के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, आज मीडिया के ऊपर भी अटैक हुआ है, अगर ये चीज को अगर रोका नहीं गया तो आज इनके ऊपर अटैक हुआ, कल किसी और रिपोर्टर्स का भी मर्डर हो सकता है। तो लामवल्ला रॉडी शटर के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। ऑलरेडी इससे पहले भी अटैक्स हुए सो है मीडिया रिपोर्टर्स के ऊपर, लेकिन वो टाइम पे सख्त एक्शन लिया गया। अटैक का कुछ अभी रीजन नहीं मालूम है, लेकिन इन्हों अपने जो साथी रिपोर्टर्स है उनसे मिलने के लिए गए थे फोर के न्यूज ऑफिस के पास, वट्टापल्ली नियर महमूदा होटल के पास, मैलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट है वो, और रॉडी शूटर सोहेल भी मैलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन का ही रॉडी शूटर है, उन्हें भी वट्टापल्ली में रहने वाला है। हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अविनाश महांती सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हम डीसीपी राजेंद्र नगर सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एसीपी राजेंद्र नगर से रिक्वेस्ट करेंगे, ये चीज का सख्त नोट लेते हुए रॉडी शूटर के ऊपर खासतौर से ज्यादा एज पर ला जो भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो उसके ऊपर करे, ताकि आने वाले टाइम में इतने सारे रिपोर्टर्स हैं जो सिंगल फिरते हैं रात में, उनके ऊपर कोई भी अटैक करने से पहले 10 मरतबा सोचे। आज इनके ऊपर हुआ अटैक और इनको बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी हम लोग उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके आके एमएलसी कराए, यहाँ पे एमएलसी कराने के बाद स्टिचर्स दिए है, फेस पे अटैक हुआ सो है, इनको 8 से 9 टाके इनको स्टिचर्स दिए गए, इनको टाके दिए थे। और दूसरी ये इससे पहले भी ये राउडी शटर बोलते हैं सो इनको डायनामाइट दिया था, इनको धमकिया दिया था, इन्होंने ऑलरेडी वो टाइम पे भी 1.5 साल पहले भी बोलते हैं सो मैलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी कंप्लेन फाइल करे, फाइल करने के बाद भी वो टाइम पे भी कोई एक्शन नहीं लिए। अगर उस टाइम पे अगर एक्शन अगर लेते तो आज मुबीन मिर्जा के ऊपर अटैक नहीं होता था। हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रॉडी शटर सोहेल जो है और उसके साथ और 3 लोग भी थे, उनके ऊपर भी बोलते हैं सो एक्शन ले, और उनके ऊपर बोलते हैं सो कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करे, और उसके ऊपर हम डिमांड करते हैं पूरे जितने भी हैदराबाद सिटी के रिपोर्टर्स है उन सबकी तरफ से डिमांड है कि वो रॉडी शटर्स का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड के बेस पे इसको पीडीएफ लगा के इसको जेल। और ये गांजा इस्तेमाल करने वाले और जितने रॉडी शटर्स है सबको